अभी हम गांव त्रिपेड़ी के बुजुर्गों से बातचीत करेंगे कि पटौदी विधानसभा क्षेत्र के अंदर वो एमएलए चेहरा किसका देखना चाहेंगे और हरियाणा का सीएम चेहरा किसका देखना चाहेंगे। नमस्कार बाबू जी। बड़ी सरकार तो मोदी की ठीक से जी, छोटी कांग्रेस की ठीक से हरियाणा में, हरियाणा के अंदर। हाँ, हरियाणा में, क्योंकि वो तो मनमाव से उन्हें कान पकड़ के बैठा दे सीएम जी। हाँ? मतलब हीर जाट ठाकर ये सब खोज दिया जी, न्यू करके कांग्रेस आओगी। सर कांग्रेस में भी किसका चेहरा देखना चाहेंगे, सीएम चेहरा? हाँ? सीएम किसको देखना चाहेंगे कांग्रेस में? कोई आ जाओ, कांग्रेस भोईदा आ जाओ या कोई और आ जाओ। अच्छा, पटौदी विधानसभा क्षेत्र की बातचीत करें तो पटौदी में एमएलए चेहरा किसका देखना चाहेंगे? कांग्रेस में भी कौन? सुधीर सही है, जरा होता सही है, सही है। लेकिन जरा होता तो बीजेपी का, वो तो बीजेपी, हमने पार्टी वार्टी को है ना जी। अगर सर पार्टी कांग्रेस की वोट जाएंगी जी, बड़ी मोदी की, बड़ी मोदी की। सर किसका चेहरा देखना चाहेंगे पटौदी विधानसभा क्षेत्र में? बस जी, राजनीति के बारे में ज्यादा नहीं बताना चाहूंगा, लेकिन पूरी सरकार बिल्कुल भ्रष्ट है। अब तक की जितनी थी, जब जितने साल कांग्रेस ने राज किया उसमें न्याय नहीं थी, पढ़ाई नहीं थी, शिक्षा नहीं थी, स्वास्थ्य नहीं था। 10 साल बीजेपी ने राज किया इसमें भी कुछ नहीं था। तो ऐसा कौन सी सरकार ऐसी है सर, न कांग्रेस ने विकास किया न बीजेपी? आम आदमी पार्टी को मौका देना चाहिए। आम आदमी पार्टी? हाँ, आम आदमी पार्टी के सीटिंग सीएम केजरीवाल जी को अभी सरकार ने वो तो दिखाया सर, उसमें क्या कहना चाहेंगे? उसमें जिसके पास ताकत हो सारे काम कर लेता है, वो ताकत के दम पे है। नहीं तो आपने भी देखा होगा, पीने वाले भी उधर से दारू लेके आते थे, एक के साथ एक फ्री थी जी। ऐसी कौन सा उसमें घोटाला था जिसके साथ फ्री भी मिल रही थी जी? मुख्यमंत्री घोटाला क्यों नहीं बीजेपी भी करती, ताकि पीने वालों को भी सुविधा हो। पीनी अगर आपने भी है तो आप 500 की भी लेके पिएंगे जी। अगर आपको 500 में दो बोतल मिलेगी तो 250 रुपए बचेंगे, परिवार का काम चलेगा। तो यहाँ से पटौदी से आम आदमी पार्टी का कौन सा विधायक चेहरा है जो अभी तो थोड़ा देखेंगे, राजनीति में हम थोड़ा ज्यादा सक्रिय है नहीं, वो तो हमने वैसे बताया जी। हमने उसमें देखे नहीं है उसे, क्यों कहे? सुखबीर तौर से कभी मिले भी नहीं जी हम तो जी। लेकिन हम वैसे बता रहे हैं जी। सीएम चेहरा सिर्फ एक नाम से, एक नाम से भ्रष्टाचार वाले काप गए थे केजरीवाल के उस टाइम। अगर उसी टाइम अन्ना हजारे ने साथ दिया होता तो देश की स्थिति अलग होती। सर बात अन्ना हजारे जी की करे तो अन्ना हजारे जी ही थे केजरीवाल जी को यहाँ पे लाने वाले। मैं वो तो बता रहा हूँ, उसने साथ नहीं दिया। वो तो खर हर चीज एक मोहरा रहती है, राजनीति में बड़े बड़े आदमी बिक जाते हैं, वो बड़ी कहानी नहीं। हो सकता है शायद मैं बिक जाऊँ, क्योंकि इंडिया खून में भ्रष्टाचार है। बाबू जी किसका चेहरा देखना चाहेंगे पटौदी विधानसभा से? भाई पटौदी को हमने कांग्रेस चाहिए। हाँ बस, कांग्रेस में चाहिए कोई भी प्रत्याशी हो। हाँ, कोई हो लेकिन चेहरा कांग्रेस का। हाँ, सीटिंग एमएलए से क्या नाराजगी है बीजेपी से? बाबू देख ले, नाराज कांग्रेस बनानी है, कांग्रेस बनानी है। सीएम चेहरा भी कांग्रेस का? हाँ, हुड्डा क्या कहेंगे सर? हाँ जी, किसको देखना चाहेंगे पटौदी से? पटौदी से कांग्रेस को। कांग्रेस को? कांग्रेस में किसका चेहरा? कोई भी हो, कोई भी, किसी को भी टिकट दे। नहीं, अभी यहाँ पे पटौदी से प्रत्याशियों की भीड़ में परल चौधरी जी, सुधीर जी, सुनीता वर्मा, कोई भी आ जाए कांग्रेस कांग्रेस, लेकिन चेहरा कांग्रेस का हो। हाँ, चेहरा का, बीजेपी का चेहरा नहीं चाहिए। बीजेपी तो सबसे बेहतर। बातचीत करें खंड विकास कार्यों की तो जो अभी सिटिंग एमएलए या सरकार बीजेपी की है, सबसे ज्यादा विकास कार्य त्रिपड़ी गांव के अंदर ही हुए हैं, फिर भी ऐसे नाराज? नहीं नहीं नहीं, कुछ भी नहीं हुआ त्रिपड़ी में। क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। इतनी भ्रष्ट सरकार तो कभी भी नहीं मिली बीजेपी जैसी। तो भ्रष्ट सरकार मोदी जैसा बाजीगर कहीं भी नहीं है। बाजीगर है, मोदी बाजीगर है। मोदी बाजीगर है, गुड़गड़ी बजाता है और डांस दिखाता है, कभी थाली बजवाता है, कभी दीवा जसवाता है। बाजीगर मोदी, वो बाजीगर है। चेहरा देखना चाहेंगे पटौदी विधानसभा से एमएलए चेहरा? देखो जी, एमएलए चेहरा तो कांग्रेस का हो, कोई भी हो, कांग्रेस का हो, कोई भी हो। हाँ, वोट तो कांग्रेस से करने हैं हमने। अगर कांग्रेस की बातचीत करें तो सीएम चेहरा किसको देखना चाहेंगे? कुमारी शैलजा को, भूपेंद्र जी को, दीपेंद्र जी को? भूपेंद्र जी को। भूपेंद्र जी को? हाँ जी। क्या विकास कार्य कांग्रेस ने ऐसे गाँव में करवाए थे या आगे उम्मीद है? ये बीजेपी की 10 साल रही है जी, इसमें क्या प्रोजेक्ट लाया सीएम जी? अरे भूपेंद्र हुड्डा तो बहुत कुछ लाया, रेलवे लाइन वहाँ से लालू से कह के निकलवाई, ये बिजली प्लांट लाया, बहुत कुछ किया। लेकिन 10 साल में मनोहर लाल खट्टर ने कुछ नहीं। सर बिजली के जन्मदाता तो हरियाणा में बंसीलाल जी कहते हैं और उनकी पुत्र वधु अभी भाजपा में शामिल हो चुकी है। वो तो जी फिर भाजपा तो हम खिलाफ से, भाजपा कितने जाओ नहीं जाओ, हाँ भाजपा का विरोध है बिल्कुल, तो हरियाणा से चली जाओ जी।